ασκάρ με μη μέσα πριν το ραντέ πρέπει να σκατέγει σε βαθά και γύρω τσενάρι. Τουρκή δε Ιούρισα τα συνταγγελί και βάρτα πάτη καρνίδε τα στάω του Ιουλίνταγγλί. Τουρκή και σακάρνε οι Ευρωπίε σαν Ιούρισα τα συνταγγελί και σε βάρτα πάτη καρνίδε και οι Ευρωπίε σαν σαν τέ προς τάω του Ιουλίνταγγλί. Ακόμα Κολομπία σε σαρκάρ βα φάρκα σαν σόλι σαν τη σαν γιώτα πάτα στα τσάρ. कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सांतोस और विद्रोही गुट रिवोल्यूशनरी आर्मेड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया फार्क के नेता रॉड्रिगो लोंडोनो ने गुरुवार को संशोधित कोलंबियाई शांति समझौते पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए। जल का भारतीय किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास सिंध जल संधि के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल के इस्तेमाल का अधिकार है। खबर मोहाली पंजाब से है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान एली एस्टर कुक ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि शनिवार को यहां के पंजाब क्रिकेट मैदान पर भारत के साथ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के बोस बटलर और क्रिस बॉक्स टीम अदालत में शामिल होंगे। विपक्ष की मोदी से माफी की मांग राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बयान पर जहां माफी की मांग कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी की इसलिए आलोचना की जा रही है क्योंकि इसके आलोचकों को तैयारी करने का समय नहीं मिला। इराक आत्मघाती बम विस्फोट में 40 ईरानी श्रद्धालुओं की मौत। इराक के बंबिल प्रांत में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 40 ईरानी श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री को नोटबंदी पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नोटबंदी पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने बैडमिंटन सिंधु हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में भारत की अग्रणी महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु शुक्रवार को यहां जारी यूनेक्स सनराइज हांगकांग अपने ओपन टूर्नामेंट के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। एक व्यक्ति ने लोकसभा में कूदने की कोशिश की। लोकसभा में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने कूदने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे काबू कर लिया। शाहरुख ने आलिया से कहा बुरा होना अच्छा है। अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म डियर जिंदगी में सह कलाकार शाहरुख खान ने सलाह दी है कि बुरा बनना अच्छा है। फ्रांस में पिछुओं के आवास में महिला की हत्या। दक्षिणी फ्रांस में पिछुओं के आवास में घुसकर हत्यामंद महिला व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर दी। फीफा रैंकिंग दूसरे स्थान पर पहुंचा ब्राजील। पांच बार के विश्व कप विजेता ब्राजील ने ताजा तरीन फीफा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पड़गांवकर का निधन। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पड़गांवकर का शुक्रवार सुबह यहां के एक निजी हॉस्पिटल में बैंक कर्मियों को पुराने नोटों की अदला बदली से राहत। देश भर के बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की अदला बदली से होने से बैंक कर्मियों ने राहत महसूस की। अब तक की खबरें बस यही तक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी है। जाइएगा मन देखते रहिए।